वेलकम टू जेडीसी क्लासेस नाउ वी आर हेयर टू लर्न अबाउट द नेम रिएक्शन एंड द क्या होता है इसमें इट इज द एसिड कैटलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डाइल टू कीटोन और एल्डिहाइड्स विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है यहां पर विसिनल

जो डाईल हैं यानी कि एक ही कार्बन पर दो ओ एच ग्रुप लगे हों क्लियर तो यहां पर हम इस रिएक्टेंट को जो वन टू डाईओल है इसको हम पिनाकोल कहते हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास कीटोन ग्रुप के साथ बनता है उसको हम पिनाकोलोन कहते हैं ये कॉमन नेम है ठीक है तो अभी फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं यहां पर आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ग्रुप और यहां पे दो ओएच ग्रुप लगे हुए हैं डाइल्यूट के साथ एसिडिक मीडियम में हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं हीट कराएंगे तो हमें देखिए यहां पर कीटोन मिल रहा है तो आपने देखा है यहां पर माइग्रेशन मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जा रहा है इधर इस कार्बन पर ओके okay? अब यहां पर ये तो हुआ मेन रिएक्शन जिससे हम बता सकते हैं पिनाकोल पिनाकोलॉन रिअरेंजमेंट कैसे होगा अब हम यहां पर सबस्ट्रेट में जो रिएक्टेंट में थोड़ा थोड़ा चेंज कर करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे प्रोडक्ट में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा तो अब देखिए इधर मैंने चेंज कर दिया यहां पे दो फिनाइल ग्रुप हैं और यहां पे दो हाइड्रोजन हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट यह मिला जहां पर माइग्रेशन फिनाइल ग्रुप का नहीं हुआ हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है इस कार्बन पर क्लियर अब इसमें देखिए यहां पर दो फिनाइल हैं एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है यहां पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है यहां पर इस कार्बन पर ओके अब ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है माइग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो कार्बोकेटाइन बने बनने वाला है क्लियर नेक्स्ट केस में देखते हैं यहां पर तो दोनों ही हाइड्रोजन है तो यहां पर तो हाइड्रोजन का ही जो है वन टू शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर माइग्रेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें कीटोन मिलेगा लाइक like दिस अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हमारे पास जो है टोलाइल ग्रुप लगा हुआ है यानी कि बेंजिन रिंग पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है और फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है तो यहाँ पर कंपैरेटिव माइग्रेशन होगा कॉम्पिटिटिव माइग्रेशन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो टोलाइल ग्रुप है वो माइग्रेट होता है फिनाइल ग्रुप से पहले क्लियर यानी कि प्रेफरेंस में और हमारे पास प्रोडक्ट देखिए कीटोन मिलता है और माइग्रेशन हुआ है पैरा टोलाइल ग्रुप का ठीक है नेक्स्ट में यहां हम थोड़ा सा यहां चेंज किया है यहां हमने देखो दोनों पीएच फिनाइल ग्रुप लिए हैं दो मिथाइल ग्रुप लिए हैं जबकि फर्स्ट में चारों मिथाइल ग्रुप थे यहां पर हमने दो फिनाइल दो मिथाइल ग्रुप लिए हैं तो यहां पर आपको कंपैरिजन में मिल जाएगा कि यहां पर मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो होगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा जो मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होके जो प्रोडक्ट मिल रहा है देखिए वही हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होगा और अगर यहाँ पर देख रहे हैं अगर मिथाइल ग्रुप पे कार्बोकड्रेन बन रहा है तो वो अनस्टेबल होता है उसको अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अनस्टेबल होता है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास ये साइक्लो हैगजेन का चेयर स्ट्रक्चर है जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और साइक्लोहेक्गजेन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन भी डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप भी डिपेंड करता है अब देखेंगे अगर ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं और यहाँ पर देखेंगे ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सिन यानी कि एक ही साइड में हैं ठीक है तो अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है यहां पर कीटोन बन जाता है लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के सिन हैं यानी कि दोनों एक साइड में हैं तो देखिए यहां पर रिंग का साइज रिड्यूस हो गया और यहां पे जो बना है वो साइक्लो पर सब्सटीट्यूशन वहां पे दिख रहा है प्रोडक्ट में तो इसीलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव क्यों क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं पर्टिकुलर जो ग्रुप का ओरिएंटेशन है वो सेम साइड में है और अगर मिथेल सेम साइड में होंगे तो वहां पर रिंग का साइज रिड्यूस हो जाता है माइग्रेशन वाली जो बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं तो माइग्रेशन जो ऑर्डर है वहां यहां पर हाइड्रोजन माइग्रेटेड इन प्रेफरेंस टू द एराइल ग्रुप देन एराइल गेट्स माइग्रेटेड इन प्रेफरेंस टू दी एल्काइल ग्रुप। एक और माइग्रेशन का सीक्वेंस आपने आपको मिला जो हमने यूज़ किया था पैरा तो जो पैरा टोलाइल ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप से पहले जल्दी माइग्रेट हो जाता है क्लियर और फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा पेरा क्लोरो फिनाइल ग्रुप से पहले तो ये सीक्वेंस यहां माइग्रेशन की हमारे पास आ रही है और इसी को अप्लाई करेंगे हम यहां और इनका मैकेनिज्म देखेंगे तो लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ दिस फर्स्ट रिएक्शन नाउ तो मैकेनिज्म में देखेंगे मिथाइल ग्रुप हमारे पास है ओ OH, एच यहां भी मिथाइल है दिस इज मिथाइल दिस इज मिथाइल एंड दिस इज ओ एच एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन को पिक करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए मिथाइल और यहाँ पे ओ OH है दिस और यहाँ पे बन गया ये ऑक्सोनियम आयन क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और फिर यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप हमारे पास हैं नेक्स्ट केस में क्या होगा यहाँ पर यह बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ जाएगा और यह बनेगा कार्बोकेटाइन तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिनाकोल पिनाकोलोन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है तो आपका आंसर होगा कार्बो कैटायन बनता है क्लियर ओके अब इस ये जो कार्बोकेटायन है ये स्टेबलाइज होगा और यहां पर मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाएगी तो यहां से माइग्रेशन होगा इस मिथाइल ग्रुप का एंड दैट गोज हियर, ठीक है अब जैसे ये यहां पर जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है देखेंगे दिस इज मिथाइल ओके और यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो सी पर आ गया पॉजिटिव और ये बना है ओ एच ठीक है और यहां पर सी यहां पर मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं तीन ओके okay, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कौन करेगा यहां पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर तो ये यहाँ जाएगा ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसके बाद प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पर ये तो डबल बोन्ड ओ हो गया और इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज एच यहाँ लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड एम ई एम ई एंड एम ई ठीक है अब ये सेटिस्फाई कैसे होगा ये बॉन्ड आ जाएगा तो हमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट मिलेगा एम ई सी डबल बॉन्ड ओ सी एम ई एम ई एंड एम ई विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन जैसा शुरुआत में यूज हुआ था दैट्स वाई द रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज ओके देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ है बस ऐसे उल्टा करके लिखा हुआ है गॉट इट ठीक है अब देखो यहां तो हमारे साथ माइग्रेशन का को कोई ऐसा इशू नहीं आया क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल ग्रुप है तो इसमें हमारे पास ऐसा कुछ माइग्रेशन वाली बात नहीं आई है तो अगर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो जाए तो माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और वहां पर प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि कार्बोकेटायन के, के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करने वाला है प्रोडक्ट हमारा क्लियर चलिए अभी देखते हैं सेकंड रिएक्शन में क्या होगा और कैसे इसका मैकेनिज्म होगा क्योंकि यहां पर दो फिनाइल ग्रुप हैं और दूसरे कार्बन पर जो है दो हाइड्रोजन हैं तो कैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड होगा देखते हैं अब यहां पर एच आयन अगर है तो अब दोनों ओएच हैं अब दोनों ओएच में से कौन सा ओएच इस एच को पिक करेगा और कौन सा ओ एच गेट्स प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड होने वाला है यह बात सोचने की है तो अगर दो केस हो सकते हैं अगर यह वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा यह हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बनेगा अब यह बोन यहां जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ओके okay, दूसरा तरीका है कि अगर ये यहां से इसको एच को पिक करे तो क्या हुआ देखिए यहां से अगर ये वाला इसको इस एच पर अटैक कर रहा है यहां इस पर अटैक कर रहा है अभी ये नहीं कर रहा है तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ए इससे रूट से दूसरा हमारा बी रूट से अगर हम प्रोडक्ट देखें अपना तो यहां पर क्या बनेगा पी एच फिनाइल ग्रुप होता है ये ये हो गया ओ एच टू ये ओ एच सच रहा H और H. तो जब ये यहां से टूटेगा तो हमारे पास क्या काबू बनेगा ध्यान देंगे ये पी एच पी एच और ये काबू बना और यहाँ पे H है H है ये हमारे पास OH है. गॉट इट अब क्या होगा ये जो कार्बोकेटन बना यहां भी यह कार्बोकेट बना यह कार्बोकेट लेस स्टेबल होगा और इवन स्टेबल ही नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटैन ये वाला कार्बोकेटैन ज्यादा स्टेबल होने वाला है क्यों क्योंकि इससे फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और फिनाइल ग्रुप जब किसी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप से लगा होगा तो क्या होगा फिनाइल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे मतलब स्टेबलाइज करेंगे इसलिए ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है इसके कंपैरिजन में ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होने वाला है अब ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी लेकिन यहां पर ये जो है शिफ्ट करेगा हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए पी एच पी एच और यहाँ पर लग गया एच और यहाँ पे ये यह लगा हुआ H और जब ये यह यहाँ से यहाँ गया है तो देखो इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज ये है OH अभी क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा यहाँ पर लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए पी एच सी पी एच एच सी और ये हो गया डबल बोन ओ और ये हो गया एच यही हमारा प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारा कैसे बना है। अभी देखते हैं हमारे पास यहां हैं एस हाइड्रोजन है तो अब एक केस में तो यहां से काबूकेटान बन सकता है दूसरे केस में यहां से काबू केटान बन सकता है तो ये जो कार्बोकेटन यहां से बनने वाला है वो फिनाइल ग्रुप से स्टेबलाइज हो जाएगा तो यही से हमारा प्रोडक्ट बनेगा अब इधर हमारे पास दो ऑप्शन हो गए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा के सी एस थ्री ग्रुप माइग्रेट करेगा तो मैंने माइग्रेशन का सीक्वेंस यहां पे लिखा हुआ है दैट इज हाइड्रोजन ज्यादा प्रेफरेंशियली माइग्रेट करता है एराइल ग्रुप से और एराइल ग्रुप माइग्रेट करता है एल्काइल ग्रुप से तो हमारे पास यहां हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप है तो सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहां से और इस कार्बन पे जाएगा तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया नेक्स्ट में यहां पर आप देखेंगे यहां सी एस थ्री है यहां पे एल्काइल ग्रुप है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और यहां से जो कार्बोकेटाइड बनेगा वही स्टेबलाइज होगा क्योंकि जो सी एस थ्री ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहां इस कार्बन पे जो कार्बोकेटाइड बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा और माइग्रेशन यहां से हाइड्रोजन का इधर हो जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा नेक्स्ट हमारे पास है ये इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैराटोलाइल ग्रुप है तो देखते हैं ये हमारे पास सबस्ट्रेट है यहां तो आप देख रहे हैं इस कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन पर भी सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो किसी भी कार्बन से कार्बोगेटान बन सकता है तो यहां पर जब एसिड की प्रेजेंस में करेंगे ये उसको पिक करेगा ठीक है जब इसको पिक करेगा तो यहां से फिर ओ एच रिमूव हो जाएगा यहां काबोन बनेगा अभी मैं सभी स्टेप्स को ओपनली करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं पीछे जो मैकेनिज्म हमने किए हैं तो यहां पर काबू बना और ये हो गए पैराटोलाइल ग्रुप लग गए यहां पे ये यह ओ है ठीक है अब हमारे पास यहां देखेंगे इस काबू के को स्टेबलाइज करने के लिए ये पीएच ग्रुप है और ये पैराटोलाइल ग्रुप है तो ये पैराटोलाइल ग्रुप अब यहाँ पीएच माइग्रेट नहीं करेगा यानी कि फिनाइल माइग्रेट नहीं करेगा ये ग्रुप माइग्रेट करेगा यहाँ से तो दिस गेट्स माइग्रेटेड फ्रॉम हेयर टू हेयर तो, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे पास पी और यहाँ से एच फिर निकलने वाला है जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब यहाँ से ग्रुप निकलेगा और ये बन जाएगा ओ OH एच और यहां आ जाएगा पैरा टोलाइल ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप मिथाइल एंड फिनाइल ग्रुप ठीक है अभी ये जो इस पर लोन पेयर्स हैं वो यहाँ इसको स्टेबलाइज कर देंगे और H भी निकल जाएगा H पॉजिटिव बन के क्लियर तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बना पी एच सी डबल वन ओ और यहां पर पैरा टोलाइल ग्रुप का माइग्रेशन होके हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ बन गया है दिस इज द प्रोडक्ट वट वी गेट हेयर फिफ्थ रिएक्शन में हमने किया अभी सिक्स रिएक्शन आप देखेंगे यहां पर दो फिनाइल है दो मिथाइल ग्रुप है तो जो यहां से कार्बोकेटन बनेगा का, वो स्टेबल होगा और यहां से मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन वहां होगा तो देखिए यहां से कार्बोकेटन बन रहा है तो दिस इज स्टेबलाइज बाई फिनाइल ग्रुप्स ठीक है अब यहां पर ये यह जो है प्रोडक्ट ये बन रहा है अगर यहां पर है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ये काबूकेटैन बनेगा तो यहाँ मिथाइल ग्रुप इतना इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता जितना फिनाइल ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर पाता है क्योंकि फिनाइल ग्रुप के पास ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई पाईबोन्स होते हैं तो ये ज़्यादा इसको स्टेबलाइज कर पाता है तो यहाँ से हमें ये स्टेबल नहीं होगा और यहाँ से प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा और यहाँ से जो फिनाइल वाला जो काबूकेटान है वही जिससे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है वो स्टेबल काबूकेटान होगा और वहीं से हमें फिर शिफ्ट हो गई क्लियर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको एक स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बताएगा कि पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है वो हमें देखना है तो यहां पर देखेंगे सेवंथ रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें देखना है पहले रिएक्शन यहां पर है एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ये भी एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में हो रही है यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो एम ई है और ये एम ई दोनों एक दूसरे के एंटी है पास में नहीं है क्लोज नहीं है यहां पर आप देखेंगे इस दोनों एम ई क्लोज हैं तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है लेट्स सी ये हमारे पास ओ OH एच है दिस इज एम ई ग्रुप एंड दिस इज ओ एच दिस इज एम ई ना वॉट हैपन्स यहां पर एच आयन होगा हमारे पास और एच आयन क्या करेगा इस पर ये लोन पेयर है देखो दोनों एम ई ओ एच एम ई एच है तो किसी भी ऑक्सीजन से जा सकता है तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया और तो कंपाउंड क्या बना यहां पर आप देखेंगे कंपाउंड क्या बनेगा यहां पर ये ऑक्सोनियम आयन हमारा बन गया है ये मिथाइल ग्रुप है अभी ये जो मिथाइल ग्रुप करेगा क्या करेगा देखो यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ तो ये हमारे पास इस कार्बन पर हमें मिलेगा इस कार्बन पर हमें मिलेगा कार्बोकेटाइन यहां पर हमारे हमें कार्बोकेटाइन मिल गया है दिस इज कार्बोकेटाइन यहां पर ये यह मिथाइल ग्रुप है और ये ओ ग्रुप है क्लियर और ये यहाँ से निकल चुका है अभी क्या होगा नेक्स्ट केस में ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस मिथाइल ग्रुप विल माइग्रेट ऑन दिस ऑक्सीज दिस कार्बोकेटाइन ये कार्बोकेटाइन पे माइग्रेट करेगा तो क्या होगा लेट्स सी ये ग्रुप उधर चला गया है तो अभी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये ओ एच यहाँ पर है लोन पेयर है इसके पास और ये इधर दोनों ग्रुप इधर चले गए हैं ठीक है अभी क्या होगा ये बोंड यहाँ पे आके इसको सेटिस्फाई करेगा और ये H प्लस आयन बन के भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ एक स्टेप को मिक्स कर दिया और अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर चले गए हैं और ये आ गया हमारे पास कि टोन ग्रुप ठीक है ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ही बना है क्लियर कब बना है जब मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं और मैं कहूँगा एंटी हैं तो ऐसा होगा अभी जब दोनों मिथाइल ग्रुप पास पास हैं तो प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है सो दैट्स वाई इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन तो ये प्रोडक्ट कब है ये प्रोडक्ट तब है जब दोनों मिथाइल ग्रुप दूर दूर हैं एंटी हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है क्योंकि दोनों मिथाइल पास पास है तो अभी ये यहाँ से हमें कैसे ये प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पर आप देख रहे हैं वन कार्बन रिड्यूस हो गया है प्रोडक्ट हमारा तो कैसे होगा लेट्स सी यहाँ पर हमारे पास ओ लगा हुआ है ये मिथाइल लगा हुआ है और ये मिथाइल इधर दोनों मिथाइल पास पास हैं ठीक है अब इसको जब हम प्रोटोनेशन कराते हैं तो प्रोटोनेशन किसी का भी हो सकता है तो यहां से इसका प्रोटोनेशन हो गया नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो आने वाली है ये दोनों मिथाइल तो पास पास ही हैं, और ये बन गया है ऑक्सोनियम आयन अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन तो यहां पर जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा ये बन गया कार्बोकेटायन और ये मिथाइल ग्रुप इधर ही है ये वाला इधर ही है और ये ओ एच इसके एंटी है ठीक है तो अब क्या होगा ध्यान देंगे यहाँ पर एक ही स्टेप में काम करेंगे कैसे होगा कि ये जो हमारे पास लोन पेयर हैं इसके इलेक्ट्रॉन के ये वाला लोन पेयर यहाँ जाएगा जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये जो बोंड है यहाँ से ये बोंड टूटकर ये बोंड टूटकर अटैक कर जाएगा यहाँ पर जब ये बोन्ड टूट के यहाँ अटैक करेगा ध्यान देंगे तो ये बोंड जब यहाँ से हट जाएगा तो वो इस पर लग जाएगा तो लगेगा कैसे देखेंगे अब ये वाला जो देखो ये जो है यहाँ से टूट चुका है ये यहाँ से टूट चुका है और इस पर लग गया है तो ये तो लग गया इधर ये बॉन्ड लग गया है यहाँ पर अब ये जो ऊपर से आ रहा है इधर से ध्यान देंगे तो ऊपर लग गया है एम ग्रुप ये तो लगा हुआ है आप उधर से ही यहाँ ये तो बोन टूट चुका है तो यहां पर हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पर वो बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये H पॉजिटिव भी यहाँ से निकल जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास होगा मिथाइल ग्रुप ये 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 जो कार्बन है यहाँ इससे मिथाइल ग्रुप लगा है। ये बॉन्ड टूट चुका है और ये कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड हो चुका है लाइक like दिस इस तरह से प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यही प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल रहा है सो दिस इज द कार्बन हियर कौन सा कार्बन है ये जो मैंने यहाँ डॉट लगाया है और ये बॉन्ड तो टूट के इधर अटैक हो चुका है तो ये यहाँ पर लग गया है क्लियर तो इस तरह से वन कार्बन यहाँ पे रिड्यूस प्रोडक्ट मिल रहा है अब ऐसा क्यों हुआ ये बात समझने की है क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ दोनों क्लोज हैं और ये मिथाइल ग्रुप इसके जो है एंटी नहीं था तो इसलिए यहां पर ये नहीं गया अभी इसके एंटी में आ रहा है ओएच ग्रुप तो इसलिए ओएच से अटैक हुआ क्लियर और आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों जो मिथाइल हैं वो पास पास होंगे तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और क्या होगा उस पर फिर अटैक इजिली मतलब ये शिफ्ट यहां पर मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट नहीं कर पाएगा ओके और यहां पर ऑक्सीजन अपना लोन इधर दे, दे देगा और विद द रिलीज ऑफ एच प्लस आई जो कि शुरू में यूज हुआ था लास्ट में एस निकल जाता है क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑफ द डिफरेंट सबस्ट्रेट्स एंड इन डिफरेंट कंडीशन क्लियर ऑफ पिनाकोल पिनाकोलॉन रिअरेंजमेंट नाउ विल सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन अभी देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट का और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन से बन सकते हैं और क्या एप्लीकेशन पार्ट है देख लेते हैं पहला एप्लीकेशन है सिंथेसिस कैसे देखेंगे हमारे पास एक एल्कीन है सीधा सा दिस इज टू मिथाइल प्रोपीन क्लोरिनेशन करवाया एक्सीएल यहाँ लग गया एक जी टू के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ ओ एच इंट्रोड्यूस हो गया सी एल की जगह पर दोनों सी एल की जगह पर ओ एच ओ एच आ गया सो इट इज इंपॉर्टेंट रीजन टू इंट्रोड्यूस ओ एच इन प्लेस ऑफ आयंस तो उसके बाद अब देखिए ये बन गया है वन टू डाई ओल बन चुका अब इसको एसिड की प्रेजेंस में पिनाकोल पिनाकोलोन रेजमेंट करवाएंगे तो हमारे पास कीटोन यहाँ बन गया है और ये कौन सा है फिर ये बन रहा है हमारा एल्डिहाइड सो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से हमने क्या बना दिया एल्डिहाइड बना दिया ओके okay? यहाँ से हम फिर चेंज कर करके इसको कीटोन में भी चेंज कर सकते हैं कीटोन भी बना सकते हैं अगर हम यहाँ सी एच एक एच ले लें मिथाइल ग्रुप ये भी मिथाइल, मैंने दोनों मिथाइल मिथाइल ले लें तो हमारे पास फिर कीटोन ही मिलेगा क्योंकि माइग्रेशन फिर मिथाइल ग्रुप का ही होगा और अगर हम यहाँ एक एच ले लिया और एक मिथाइल ग्रुप ले लिया तो हाइड्राइड आयन का शिफ्ट पहले होगा क्लियर उसका शिफ्ट होगा पहले सी थ्री का नहीं होगा तो हाइड्रोजन गेट्स माइग्रेटेड प्रायर टू द एल्काइल ग्रुप ये हम कर चुके हैं मैकेनिज्म में नेक्स्ट इज रिंग एक्सपेंशन ऑफ साइक्लिक कीटोन ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारी साइक्लिक कीटोन है साइक्लो है सीधा सोडियम इथॉक्साइड के साथ में और कर रहे हैं नाइट्रोमिथेन से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास सी एस टू एन ओ टू डेरेवेटिव यहाँ पे मिला नेक्स्ट इज उसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उसका यहाँ पे रिडक्शन किया है नैसेंट हाइड्रोजन है तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कुछ भी यूज कर सकते हैं लाइक एस एन एच सी एल भी यूज कर सकते हैं एफ सी एच सी एल भी यूज कर सकते हैं और नाइट्रो बदल गया एन एस टू ग्रुप में अब इसके बाद हमने क्या किया इसका डाइजोटाइजेशन किया तो यहाँ पे डाइएजो प्रोडक्ट मिला हमें और इसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन देखिए ये काबोकेटायन बना अब इंपॉर्टेंट माइग्रेशन देखेंगे तो यहाँ से ओ जो ओ पे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूट के कार्बो केटन को स्टेबलाइज करेगा तो आप देख रहे हैं अभी ये छे कार्बन यहाँ है अभी ये यह जब यहाँ चला गया तो ये कार्बन भी इसमें इंक्लूड हो गया अंदर और ये यह यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन हो गया और ये बना साइक्लोहैप्टन क्योंकि यहाँ पर साइक्लोहेक्सानोन से साइक्लोहेप्टानोन हमें मिल रहा है तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सा एग्जाम्पल या आ उसका एप्लीकेशन है किस रिएक्शन का जिसमें साइक्लोहेक्सानोन गेट्स एक्सटेंडेड इनटू साइक्लोहेप्टानोन। तो यहां पर पिनाकोल पिनाकोलोन रियरेंजमेंट आपके पास आएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कीटोन्स फ्रॉम साइक्लिक डाइल तो साइक्लिक डायल भी हमारे पास आते हैं यहां पे देखेंगे ये साइक्लिक डायोल है दो जो है ओ एच ग्रुप है यहाँ पर ठीक है अभी यहां पर माइग्रेशन देखिए पी एच का माइग्रेशन हो गया है दूसरी साइड में एच एन की प्रेजेंस में तो यहां पर आप देख रहे हैं साइक्लिक डायोल से हमें कीटोन मिल चुका है यहां पर हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटानोन है दो साइक्लोपेंटानोन के मॉलिक्यूल लेकर एम और ईथर के साथ में हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ हमारे पास ये बना है पिनाकोल अब इस पिनाकोल से हम पिनाकोलोन रिएजमेंट करवा रहे हैं तो हमें यहाँ एक स्पायरो कंपाउंड मिल रहा है देख सकते हैं क्लियर तो यहाँ पे एक स्पायरो तो स्पायरो कंपाउंड के सिंथेसिस में रिंग एक्सपेंशन में और एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने में तीनों तरह के एप्लीकेशन में पिनाकॉल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट यूज होता है सो इट्स ऑल अबाउट दिस रिएक्शन मैकेनिज्म एंड द एप्लीकेशन पार्ट एंड द क्वेश्चन विच में कम फ्रॉम दिस पिनाकॉल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट रिएक्शन थैंक यू